पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। SBT न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी हां दोस्तों, राजस्थान में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू होगी और साथ ही पुलिस कर्मियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में स्थायी पास की योजना भी प्रारंभ की जाएगी। पुलिस कर्मियों के लिए हाउसिंग बोर्ड, UIT, JDA सहित अन्य संस्थाओं के माध्यम से आवास सुविधा तथा पुलिस लाइन, आर्म्ड बटालियन एवं पुलिस ट्यूनिंग सेंटरों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही पुलिस कर्मियों का निःशुल्क वार्षिक चिकित्सा परीक्षण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से थाना स्तर तक के अधिकारियों से संवाद के दौरान ये महत्वपूर्ण घोषणाएं की। यह पहला अवसर है जब किसी मुख्यमंत्री ने थाना स्तर तक पुलिस कार्मिकों से संवाद किया है। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शुक्रवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बारिश के चलते कंटेनर ट्रक और स्कॉर्पियो में आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में 9 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और मरने वालों में 4 युवक, 3 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसे में स्कॉर्पियो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मरने वाले लोग सभी लोग राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भिवाड़ी से एक सगाई समारोह में शामिल होने के लिए कल शाम को ही बिहार के भोजपुर रवाना हुए थे। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बीते दिनों कुछ पुलिस कार्मिकों द्वारा आत्महत्या करने की जो घटनाएं हुई हैं, वे दुखद और चिंताजनक हैं। पुलिस महानिदेशक से लेकर थाना प्रभारी स्तर तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों की समस्याओं को समझे और उन्हें दूर करने के लिए भावनात्मक संरक्षण दे। ड्यूटी या अन्य किसी कारण से कोई पुलिसकर्मी अवसाद की स्थिति में है तो उसकी मनोस्थिति समझकर आवश्यकता अनुसार मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस के मनोबल तथा सम्मान को ऊंचा रखने में कोई भी कसर नहीं रखेगी। अगली खबर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से जंग का अनुभव हम सब के लिए नया था। पुलिस ने इससे निपटने के लिए जो नवाचार किए उनमें से कई सफल रहे और सामूहिक प्रयासों से हम इस लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरे प्रदेश में शांति और सद्भाव कायम रहा और उसमें पुलिस की बड़ी भूमिका है। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में पुलिस ने जिस मुस्तैदी के साथ काम किया वह तारीफ के काबिल है। इससे जनमानस में उनकी छवि निश्चित रूप से बदली है। अगली बड़ी खबर में पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के बाद पैदा हुई स्थितियों में पुलिस ने बेहतरीन ढंग से काम करते हुए अपनी जो गुडविल बनाई है उसे वे आगे भी बनाए रखें। राजस्थान पुलिस में शामिल करीब 1,00,000 पुलिस कर्मियों के साथ ही 15,000 होमगार्ड व 24,000 पुलिस मित्रों ने एक साथ मिलकर इस चुनौती का मजबूती से सामना किया है। उन्होंने कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद पुलिसकर्मी अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करें। पोकरण कस्बे के पंचायत समिति सांकड़ा सभागार में टिड्डी नियंत्रण की तैयारी व सूचना एवं संसाधन प्रबंध तंत्र विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार को आयोजित किया गया, जिसमें पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग के कार्मिकों, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कृषि सुपरवाइजर ने भाग लिया। हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में बंद किए होटल और रेस्टोरेंट आदि को खोलने के संबंध में मुख्य सचिव, ACM होम और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दिए। जयपुर में JDA ने अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं में बनाए गए 24,537 फ्लैट्स और 897 भूखंडों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है और इसके साथ ही क्षेत्रीय अधिशासी अभियंताओं को हर माह की 7 तारीख को प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट भी बतानी होगी। ये फ्लैट्स मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत विकासकर्ताओं की ओर से बनाए गए हैं। टोंक जिला कलेक्टर KK शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को अवैध बजरी खनन को लेकर संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू भी मौजूद थे। कलेक्टर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुखराम खोकर को सभी उपखंड स्तर पर स्थापित SIT टीमों को एक्टिवेट करने के निर्देश दिए। अवैध बजरी खनन को रोकने में राजस्व, पुलिस, वन, खनिज एवं परिवहन विभाग संयुक्त कार्यवाही करे ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके। वन विभाग के मंडल वन कोटा और वन्य जीव विभाग की विभिन्न रेंजों में शुक्रवार से वन्य जीवों की गणना शुरू हो गई, लेकिन गणना में बारिश ने खलल डाला। इससे गणना का कार्य भी प्रभावित हुआ। मंडाना, भैंस रोडगढ़, मोड़क, उम्मेदगंज समेत कई लगभग सभी रेंजों में बारिश ने खलल पैदा किया। सूत्रों के मुताबिक कई जगहों इतनी तेज बारिश हुई कि वन कर्मी व गणना कर रहे सहयोगियों को मचान से उतरकर सुरक्षित जगह पर आना पड़ा।
और कुछ वन कर्मी भीग भी गए। शाम तक अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर बारिश होती रही। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश का पर्यावरण जितना संतुलित रहेगा, कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप उतना ही कम होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह लॉकडाउन के दौरान बिना प्रदूषण के प्रकृति खिलखिलाने लगी है, यदि सब लोग पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखेंगे तो ऐसे नजारे स्थायी हो सकते हैं। डॉक्टर शर्मा शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर SMS अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में बोल रहे थे। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लॉकडाउन के बाद आजीविका छीनने की पीड़ा झेल रहे श्रमिकों को आसानी से रोजगार मिल सके तथा श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित राजकौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।